दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को याद से क्लिक करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज करने वाले हैं मीडियाटेक वर्सेस स्नैपड्रैगन, मतलब यहाँ पे लेनोवो के 8 प्लस और शाओमी का मी A1 का गेमिंग टेस्ट। दोनों में करेंगे कंपेरिजन, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, किसमें जल्दी स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन अच्छे से परफॉर्म करता है। क्योंकि अगर हम देखें लॉन्च इवेंट में, तो ऐसा बोला था लेनोवो के 8 प्लस के लॉन्च इवेंट के समय कि इसमें जो प्रोसेसर लगा है मीडियाटेक का P25, ये स्नैपड्रैगन 625 से ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा बताया गया था, दिखाया गया था कि इतने इतने कोर्स है, इतने गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गेमिंग करेंगे और देखेंगे क्या सच में जो है परफॉर्मेंस इसकी कैसी रहती है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक इन्फ्रारेड टेम्परेचर मीटर, तो सबसे पहले कर लेते हैं टेम्परेचर टेस्ट। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखता है 34-33 के आसपास जो इस फ़ोन का टेम्परेचर है लेनोवो के 8 प्लस का, तो वो आप देख सकते हैं। तो करेंगे गेमिंग और देखेंगे कितना टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करता है। तो गेम जो है वो स्टार्ट यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड मैंने कर दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी तो गेम में कोई दिक्कत आ नहीं रही है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है गेम। तो अगर बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे नॉर्मल गेम तो आपको पता नहीं चलेगा। आप बिल्डिंग को अगर देखेंगे, साइड साइड में जो बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप जो है वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 39.5 के आसपास पहुँच गया है टेम्परेचर, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन है। और अगर बैक पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 38.2 के समथिंग मिलता है। तो अब चलते हैं दूसरे फ़ोन की तरफ जो कि है शाओमी का मी A1, और यहाँ पे करेंगे गेमिंग टेस्ट और देखेंगे इसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें लगभग 35-36 के आसपास अभी इस समय है, और जब चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें आपको कितना टेम्परेचर का इंक्रीमेंट मिलता है और गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी कैसी है। अगर बात करें शाओमी के मी A1 में, तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस अभी तक तो रही है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही होगी। कहीं कहीं आपको हल्का सा फ्रेम ड्रॉप दिख जाएगा, वो भी आप जब बिल्डिंग को देखेंगे तब, वरना कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, काफ़ी स्मूथ गेम चल रहा है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी फास्ट है जब मैंने स्टार्टिंग में गेम को ओपन किया था। तो यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो लगभग से आपको 37.5 के समथिंग मिल जाता है, और अगर टॉप पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको 38 के आसपास मान लीजिए आप जो टेम्परेचर है इसका पहुँच जाता है। तो टेम्परेचर की अगर बात करें दोनों में लगभग आपको सेम मिलता है, 36-37-38 के आसपास, 39 के आसपास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों फ़ोन गेमिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपको लेनोवो के K8 प्लस में हल्का सा फ्रेम ड्रॉप दिखता है, जबकि शाओमी के मी A1 में कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आती, आपको लगभग स्मूथ एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो यही था टेस्ट, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।